हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं निकल रही हूँ हनोई से, अभी मैं चेकआउट कर रही हूँ और आज ही जा रही हूँ मैं हालोंग वे। सो यस, तो कल रात को मैंने बुक कर लिया था यहाँ से, मतलब होटल से ही मैंने हालोंग वे का जो क्रूज़ टिकट है वो बुक कर लिया था। केलो पे मैं चेक किया, एक्चुअली वहाँ पे जाके भी आप बुक कर सकते हो, बट मुझे प्राइस वाइज अराउंड सेम ही लगा तो मैंने यहाँ से बुक कर लिया। और मैंने जो बुक किया वो एक थोड़ा सेमी लग्जरी क्रूज़ है, तो देखते हैं आज क्रूज़ का सफ़र कैसा रहता है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ होटल के बाहर, अभी मेरे लाइक ना एक वैन आएंगे पिक करने के लिए जो मुझे वहाँ तक ले जाएंगे। तो आगे दिखाते रहेंगे आपको क्या क्या होता रहता है दिन भर। सो बने रहिए मेरे वीडियो में, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन गाइज, सो स्टे ट्यून। बस हम लोग को 10-12 मिनट रुका है यहाँ पे, जैसे वॉशरूम वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है, लाइक दो रास्ते में 2 बार रुकते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट नो वेट कर रहे हैं, लाइक 5-10 मिनट रुकेंगे फिर हम लोग फिर निकलेंगे हालोंग बे हार्बर की तरफ। सो बस का जो गाइड था, हमारा जो टूर का गाइड है एक्चुअली, तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हालोंग बे में मतलब कितने सारे आइलैंड और आइलेट है और कितने सारे फ्लोटिंग विलेजेस है। मोर देन 2000 आइलैंड आइलेट है और 2000 प्लस फ्लोटिंग विलेजेस है जहाँ पे फिशरमैन लोग रहते हैं। तो वो हालोंग बे की स्टोरी बता रहे थे और काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिए कि हम लोग को जाके वहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं ब्रेक के लिए और थोड़ा देर में हम लोगों की बस फिर से निकल पड़ेगी लाइक नो हार्बर की तरफ, जहाँ से हम लोगों को वहाँ पे लाइक नो ट्रांसफ़र किया जाएगा लाइक नो हमारे क्रूज़ पे। तो हम बहुत सारे एक्साइटेड हैं कि कब वहाँ पे लेके जाएंगे हम लोगों को। तो अभी जस्ट ऐसे वेट कर रहे हैं। और ये जो हालोंग बे का जो नाम है ना, उसका मतलब जो नाम डिफाइन किया गया है उसका नाम है लाइक डिसेंडेंट ड्रैगन। मतलब वहाँ पे ड्रैगन लोग आए थे जब चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे वियतनाम को अटैक करने के लिए आए थे। तो लाइक नो वियतनाम के जो पीपल थे वो लोग मतलब भगवान को मतलब बुलाए थे, तो भगवान ने यहाँ पे ड्रैगन भेजे थे। तो उनका स्टोरी बता रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा सुन के, वो भी काफ़ी मतलब मैंने कभी सुना नहीं था पहले। तो अभी मैं हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब हमारी बस ड्राइवर आते हैं और हम लोगों को फिर से निकल लेके चलते हैं क्रूज़ की तरफ। आई एम तो एक्साइटेड अबाउट द क्रूज राइट नाउ। हालोंग बे के रास्ते में सारी बसेस यहाँ पे रुकती है और यहाँ पर आप पल्स प्रोडक्शन के बारे में जान सकते हैं। चलिए अंदर चलकर देखते हैं यहाँ पर कैसे पल्स बनाए जाते हैं। They are formed when the grain of sand, get inside of it. And we have 2-step implementation. This is the first step and the second step. They are baby oyster. You know, this is the aquaporin oyster. And they still alive. Because they can live without seawater about 24 hours. Without seawater. As the donor. Donor oyster. Here, this oyster has the donor oyster. We cut the membrane from here and here. This is the membrane. यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे ओयस्टर से पर्ल निकालते हैं और पूरा प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टोर भी है जहाँ पर आप पर्ल से बनी ज्वेलरीज खरीद सकते हैं। देखने में तो ये सभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्ल के रिंग्स, नेकलेस एंड अदर ज्वेलरी भी डिस्प्ले में लगी हुई है। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच गए हैं हार्बर। तो अभी हम लोगों को अंदर लेके जा रहे हैं गाइड, तो उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। ये हालोंग बे की फेरी टर्मिनल है, यहाँ पर बहुत सारे कंपनी के फेरी लगे हैं। अभी हम लोग अपनी फेरी की तरफ जा रहे हैं।
आप यहाँ पर आकर भी फेरी की टिकट ले सकते हैं अगर आपने हनोई से अपना टिकट नहीं लिया है तो। ये फेरी टर्मिनल वेल मैनेज्ड एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो ये है हमारी फेरी, और फेरी में जाते ही आपको लंच सर्व किया जाता है। यहाँ पर लंच के लिए बहुत सारे वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस अवेलेबल है। इस फेरी पर दो ग्रुप को मर्ज कर दिया गया है, कुछ लोग ऊपर भी गए हैं, वो हम थोड़ी देर में जाकर देखेंगे। लंच तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर कर खाया। ये सेकंड डेक है, तो अभी सेकंड डेक में हम लोग फोटो ले रहे हैं। हालोंग बे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये वियतनाम के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। हनोई से आप डे ट्रिप बुक करके यहाँ आ सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी वाले आपको आपके होटल से पिक कर लेंगे और अराउंड 3 आवर्स में आप हालोंग बे में पहुंच जाएंगे। आप नाइट स्टे करने वाली बोट भी बुक कर सकते हैं। ये अपने क्लियर वाटर एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइमस्टोन आइलैंड के लिए फेमस है। ये लाइमस्टोन माउंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर से भी ज्यादा पहले फॉर्म हुए थे। ये सभी आइलैंड और उनके ऊपर रेन फॉरेस्ट इस प्लेस को और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। यहाँ पर हर साल लाखों विजिटर्स आते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हर तरफ बिग बोट्स देख सकते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे लाइमस्टोन माउंटेन से ज्यादा बोट्स है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग यहाँ से हालोंग बे का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर रहे हैं और आराम भी कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग लंच करके सनडेक पर बैठे हुए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से व्यू, चारों तरफ लाइक नो आइलैंड और आइलैंड दिख रहे हैं और बीच में लाइक नो समुद्र के बीचों बीच है। मजा आ रहा है क्रूज में। अभी हम लोग सरप्राइजिंग कैब में जाने वाले हैं। ये आज का फर्स्ट स्टॉप होने वाला है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी एंड ब्यूटीफुल केव है। यहाँ पर बोट अराउंड 40 मिनट्स के लिए रुकती है और आपको स्टेयर्स के सहारे ऊपर जाना होता है, और ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा होता है। ये केव ऑलमोस्ट सभी बोट ट्रिप में इंक्लूड होती है। तो गाइस अभी हम लोग हैं सरप्राइजिंग केव पे। बहुत भीड़ है, बहुत सारा स्टेयर्स भी है, तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। इट्स सो डार्क एंड नाइस। सो गाइस ये लाइमस्टोन केव है, काफी बड़ा केव है और बहुत सारे स्टेयर्स है एक्चुअली। इस केव में आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि लाइमस्टोन से बना हुआ है। एक नेचुरल केव है, बट यहाँ पर अभी टूरिस्ट के लिए लाइट्स लगा दिया गया है और प्रॉपर पाथवे बनाया गया है सो दैट आप आराम से यहाँ वॉक कर सके। ओवरऑल एक मस्ट एक्सपीरियंस था, और अगर आप यहाँ आते हैं तो इस केव में जरूर आइए। सो गाइस जनरली ये 20-25 मिनट का टूर होता है जो गाइड आपको पूरा घुमाता है, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पे हर स्पॉट में ना आपको रुकना पड़ेगा, मतलब आप बिना रुके जा ही नहीं सकते। एक एक स्पॉट लाइक स्पेक्टेकुलर है, आप यहाँ पे रुक के फोटो वीडियो ले सकते हो। बहुत प्यारा था ये केव का टूर। तो ऑलमोस्ट हम एंड पॉइंट में आ गए, तो अभी जस्ट बाहर की तरफ जा रहे हैं। इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस गाइज फॉर मी। तो मैं केव का एक्सपीरियंस मुझे लाइक यू नो पहली बार था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सीरियसली आई एम सो हैप्पी। सो गाइस केव से बाहर निकलते और अंदर आते समय आपको बहुत सारे स्टेयरकेस मिलेंगे, और बाहर आते ही आपको हालोंग बे का ब्यूटीफुल
व्यू दिखेगा. लेट मी शो यू अराउंड. एक छोटा सा शोविनिया का स्टोर लगा हुआ है जहाँ पे कुछ कपड़े और गिफ्ट्स शोविनिया आप खरीद सकते हो अगर चाहो तो हलोंग वैसे. और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख पा रहे हो द ब्यूटीफुल व्यू. सो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं केव से और एक्चुअली हम लोगों को जो बोट था वो कहीं मतलब जो केव के एंट्री पॉइंट था वहाँ पे उतार दिया था और हम लोगों को बोला था चलते चलते आप केव के दूसरे पॉइंट पे आओगे तो वहाँ पे हम वेट करेंगे. तो अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और आते ही आपको वॉशरूम मिलेगा. अगर आपको इनकेस मतलब चाहिए तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. तो अभी हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं हमारे बोट का और यहाँ से व्यू लाइक अमेजिंग गाइस, माइंड ब्लोइंग व्यू. सो गाइज अभी केव हम लोगों ने देख लिए तो फिर से हम लोग वापस बोट में चढ़ गए. तो अभी आके बैठे हैं डेक में और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाइक नो बारिश हो रही है. अच्छा लग रहा है, मिस्ट वेदर है. और ये जो लाइक नो बोट टूर है ना हालोंग बे का, लाइक अभी यहाँ पे आके रुक भी सकते हो. लाइक बहुत सारे क्रूज है जिसमें ओवरनाइट स्टे है, लाइक वन डे वन नाइट स्टे फिर टू नाइट स्टे है. तो वहाँ पे भी मतलब स्टे के बाद भी आपको वही चीज़ देखने को मिलता है, फिर एक्टिविटी करने को मिलता है जो हमने लाइक नो डे टूर में करते हैं जनरली. लाइक नो लोग केव दिखाते हैं फिर बोटिंग वगैरह लाइक कायाकिंग वगैरह या फिर जो लाइक बेम्बू बोट होता है ना उसमें राइड में लेके जाते हैं. तो ऑलमोस्ट जो एक्टिविटी है दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. लाइक ना आप जो भी मतलब वन डे टूर में करते हो तो सेम चीज़ें भी करोगे. अगर आपको यहाँ पे हालोंग में आगे रुकना है, क्रूज में रहना है तो वो भी कर सकते हो या फिर डे टूर लेना है तो वो भी कर सकते हो. तो हम लोग आज तो अभी मतलब देखते हैं आगे और भी क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाला है, आपको दिखाते रहेंगे. अभी हम लोगों को लाइक यू नो एक जगह पे रोल किया गया है मिडल ऑफ द समुंदर और यहाँ पे कायाकिंग या फिर लाइक यू नो बोट राइड ले सकते हो. तो हम लोग सोच रहे हैं कि लाइक जो बैम्बू बोट है वो लेंगे. काफ़ी भीड़ है, काफ़ी चल पैर बचे हुए हैं, दिखाते इतने सारे भीड़ है यहाँ पे कायाकिंग करने के लिए. सो ये सेकेंड स्टॉप है बोट का, यहाँ पर आप कायाकिंग कर सकते हैं. और अगर आप कायाकिंग में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो इन बड़ी बोट से भी जा सकते हैं. यहाँ पर आपको 10 मिनट्स के ये बोट राइड होती है और ये भी एक फन एक्सपीरियंस होता है. अभी हो गई हम लोगों की बोट राइड. हम लोग अभी वापस जा रहे हैं क्रूज की तरफ. तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश था तो अच्छा ही लगा ओवरऑल. लाइक गर्मी ज़्यादा नहीं था एंड इट वाज सेटिस्फाइंग. बोटिंग के बाद हम लोग इस ट्रिप के लास्ट स्टॉप की तरफ निकल गए जो कि एक आइलैंड है जिसका नाम है टी टॉप आइलैंड. यहाँ से दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है.
सो गाइस अभी हम लोग आए हैं थर्ड एक्टिविटी, वो है टी टॉप आइलैंड। एक प्यारा सा स्पॉट है यहाँ पे, लाइक थोड़ा सा बीच है, माउंटेन भी है, आप हाइकिंग कर सकते हो, नहीं तो बीच साइड में जाके लाइक रिलैक्स कर सकते हो, कायक वगैरह कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। मौसम काफ़ी मिस्ट है तो शायद टी टॉप आइलैंड के ऊपर जाके कुछ व्यू अच्छा आएगा या नहीं आएगा वो थोड़ा टेंशन है, बट फिर भी हम सोच रहे हैं कि जाएंगे ऊपर। तो चलिए लेट्स गो। यहाँ पर एक छोटा सा बीच है जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं या फिर स्टेयर्स के ऊपर तक जा सकते हैं। अभी वेदर अच्छा नहीं है सो ऊपर से कुछ भी व्यू नहीं दिखेगा, सो हम लोग यही रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है सो आप कुछ खाया पी सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बीच है, सैंड बीच, यहाँ पे मतलब लोग रिलैक्स कर सकते हो, लाइक अगर आप यहाँ पे धूप तो नहीं है आज, फिर लोग बास्केटबॉल खेल सकते हैं, बीच साइड जो वॉलीबॉल है वो खेल सकते हो, और लाइक काफ़ी भीड़ है गाइस, काफ़ी भीड़ है। तो गाइस हम लोग अभी टी टॉप आइलैंड के ऊपर चढ़ के गए थे। एक्चुअली 300 प्लस स्टीरिया है बट ऊपर इतने फॉग थे, आज का वेदर भी मतलब बहुत ही क्लाउडी है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम लोग फिर अभी नीचे बीच साइड में आए हैं और यहाँ पे छोटा सा एक डेक बना हुआ है जहाँ पे आप खड़े होकर फोटो ले सकते हो। यहाँ पे प्यारा सा स्पॉट भी बना हुआ है जिसमें आप 30,000 BND लेके आप रेंट कर सकते हो और बैठ के यहाँ के जो व्यू है सी व्यू वो एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग खेलने के लिए भी शायद अभी एक्टिविटी कर रहे हैं और बहुत सारे बोट रुके हुए हैं, तो हम लोग अभी थोड़ा सा चिल आउट करेंगे फिर जाएंगे अपनी बोट की तरफ। So stay tuned guys. टी टॉप आइलैंड से निकलकर हम लोग बोट पे गए और फिर वापसी के जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं ये ट्रिप आपको जरूर रेकमेंड करूंगी और हो सकते तो आप वन नाइट स्टे वाली बोट बुक करें। आई एम श्योर एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और इसी बीच ऊपर डेक पर कुछ पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस हुई और कुछ स्नैक सर्व किया गया और फिर ये ट्रिप समाप्त हो गई। सो गाइस यही था क्रूज का सफर, तो यहीं पे खत्म होती है। हमारा पार्टी हुआ यहाँ पे, बहुत सारा अच्छा नाच गाना हुआ, ड्रिंक भी हुआ, तो अच्छा लगा ओवरऑल पार्टी। तो अभी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ लाइक, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुँचती रहे। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में गाइस, टिल देन गुड बाय।